एक हदीस सुनाता हूँ। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, यबना आदम मरिस तो फलम तो उदनी, मेरे बंदे मैं बीमार था, तूने मेरा हाल ही ना पूछा। वो कहेगा, या अल्लाह कैफा अऊदुका व अंत रब्बुल आलमीन, या अल्लाह तेरा हाल, तू तो बेऐब, तेरा हाल पूछने का क्या मतलब है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुझे पता तो चला था ना मेरा वो एक बंदा बीमार है। वो एक बंदा मुस्लिम है, मुशरिक है, मुत्तकी है, फासिक फाजर है, अच्छा है बुरा है, एक बंदा। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, वो दहरिया भी हो सकता है, वो रिश्वत खोर भी हो सकता है, वो शराबी भी हो सकता है, नमाजी मुत्तकी भी हो सकता है। मेरा रब यूं इंसान को बतौर इंसान पेश कर रहा है कि वो एक बंदा जो बीमार हुआ था, उसका हाल पूछने क्यों नहीं गए थे? अगर उसका हाल पूछते तो तुम मेरे पास इसका अजर पा लेते। और ऐसा था जैसे तूने मेरा हाल पूछा। तो जब एक मरीज के हाल पूछने पर अल्लाह यूं फरमाएगा क़यामत के दिन, तो किसी का इलाज करने पर क्या होगा? यबना आदम इस्तताम तो कफलम तो तुमने, और मैंने तुमसे रोटी मांगी, तूने रोटी ना खिलाई। तो अल्लाह ताला कहेंगे, अमा आलिम था अन अब्दी अल फलान मरीद फलम तु इस्तताम का फलम तो तुम हो लो अतअमतहू लवजदता ज़ालिका इंदी। एक बंदा तेरे दरवाजे पर आया था, एक बंदा, वो मैंने पहले वाजे कर दिया, कोई भी हो सकता है। बंदा बतौर बंदा अल्लाह को कितना प्यारा है। तो मेरा एक बंदा जो आया था, उसने रोटी मांगी थी, क्यों नहीं खिलाई थी? अगर खिला देता तो ऐसा था जैसे तूने मुझे खिला दिया, मेरे पास इसका तो अजर पा लेता। फिर कहेगा, यबना आदम इस तस्कई तो कफलम तस्के नहीं, मुझे प्यास लगी थी, मैंने तुमसे पानी मांगा, तूने पिलाया ही नहीं। वो फिर कहेगा, या अल्लाह तुझे कैसे पिलाऊं, सारी दुनिया को पिलाने वाला बेऐब हाजात से पाक। तो अल्लाह ताला कहेगा, अमा अलिम था अन अब्दी अल फलाना इस तस्का कफलम तस्के ही, तुझे पता नहीं मेरे एक बंदे ने तुझसे पानी मांगा था, तूने नहीं पिलाया, अगर तो उसे पानी पिला देता तो ऐसा था जैसे मुझे पिला दिया। इतनी बड़ी कीमत है इंसान बतौर इंसान अल्लाह की बारगाह। यहूदी का जनाजा गुजरा, मेरे नबी खड़े हो गए, कह यार रसूल यहूदी है, कह यहूदी है इंसान है। उसके जनाजे यहूदी के जनाजे के एहतराम में खड़े हो गए। एक यहूदी बच्चा आपकी मजलिस में कभी कभी आता था, कुछ दिन से आया नहीं। आपने पूछा, वो बच्चा नहीं आ रहा? कहा जी वो बीमार है। कहा चलो उसका हाल पूछें। यहूदी हाल पूछने कितने 7 मील, बनू कुरैज़ा खुबा से उधर रहते थे, उस तरफ 7 मील का फासला था। मेरे नबी पैदल गए उस बच्चे का हाल पूछने। इंसान की कीमत बतौर इंसान, इंसान की कदर बतौर इंसान। जब कोई मुआशरा जवाल का शिकार होता है तो शोबे बुरे नहीं होते, शोबे वाले गिर जाते हैं, तो वो शोबों की बदनामी हो जाती है। असल जवाल तो इंसान पर आता है, उसकी सिफात पर आता है, तो फिर हर चीज़ गिरते चली जाती है, गिरते चली जाती है। तो जब जवाल आया है तो मेडिकल पर भी जवाल आया है। मैं माफ़ी मांगकर हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, हमारे अक्सर डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, ताजर हैं। वो मरीज़ को मरीज़ की नज़र से नहीं देखते, वो मरीज़ को एक ग्राहक की नज़र से देखते, एक क्लाइंट की नज़र से देखते हैं कि एक ग्राहक आ गया है, एक ग्राहक आ गया है। वकील के पास कोई जब मजलूम चल के आता है तो वो उसे मजलूम नज़र नहीं आता, वो उसे नज़र आता है मेरा ग्राहक आ गया है। ये जवाल है। जब सवाल आता है तो जब आदमी बूढ़ा होता है तो हर उज्व खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ऐसी कौमों पे भी बुढ़ापा है। इब्ने खल्दून फरमाते हैं कि जैसे एक शख्स पे बुढ़ापा आता है वो रिवर्स नहीं हो सकता, ऐसे ही कौमों पे बुढ़ापा आता है जो रिवर्स नहीं हुआ करता, फिर उनकी जगह कोई और ही कौम आके लेती है, उन्हें मिटना ही होता है। तो जब जवाल आया है तो हर शोबा वो अजीब गरीब हालात का शिकार हो चुका है। और इसका ये हल है कि हम अपने नबी से जुड़ जाएं। आप अच्छा कर रहे हैं जो एक कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं कि लौट पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्या, हम तो आपको या मुझे या हर शोबे वाले को राहबरी मिलेगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, सीरत से। जितना आपकी मोहब्बत अज़्ज़त हमारे दिल में होगी उतना हम जुड़ सकेंगे
वरना सब पैसा बना रहे हैं, आप भी पैसा बनाएंगे, हमारे सियासतदान भी बना रहे हैं, वकील भी बना रहे हैं, जज भी बना रहे हैं, ताजर भी बना रहे हैं, पैसे की आमद होनी चाहिए, झूठ से आए, हराम से आए, हलाल से आए, रिश्वत से आए, चोरी से आए, डाके से आए, मुंशियात बेच कर आए, ड्रग्स बेच कर आए, पैसा आना चाहिए। ये उन कौमों में होता है जो जवाल का शिकार हो जाती है। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से, कि अमीर कारवां में नहीं हुए दिल नवाज। जहां से रोशनी मिलने थी उसको तो कभी मुड़ के ना देखा ना, एनाट में पढ़ के इंसान तो नहीं बनता। इंसान तो बनता है उससे जो कायनात में इंसानियत का सेहरा बांध कर आए, इंसानियत का ताज पहन कर आए। सारी कायनात की इंसानियत और उनके कदमों पे अल्लाह ताला ने झुका दी, उनको उनसे जुड़ेंगे।